हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह हो गई है, आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे ही होंगे। आइए मैं अपनी शुरुआत करती हूँ चाय से। ये चाय बन गई है। इधर बच्चों के लिए मैंने पत्ता गोभी की पकौड़ियाँ बनाना चालू कर दी है गाइस। और अभी मेरा काम सारा पड़ा ही है, बच्चों को स्कूल भेज दूँ, उसके बाद करूँगी सारा धीरे धीरे। क्या करें, सुबह सुबह ठंडी आज इधर है। देखिए मैंने उल्टा स्वेटर जल्दी में पहन लिया और टोपा ओपा सब लगा लिया। इधर बड़ी हवाएं चल रही हैं, बस बहुत ठंडी है। इधर गुजरात में वैसे इतनी होती नहीं है, इस बार कुछ ज़्यादा ही ठंडी हो रही है। गांव में बारिश हो रही है तो इधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बस अभी एक बन गई हमारी, बच्चे बहुत नाश्ते में पसंद करते हैं पत्ता गोभी की पकौड़ी, तो हमने कहा चलो आज बना ही लेती हूँ। सर्दी का मौसम है तो गरम गरम टिफिन में ले भी जाएंगे और चाय के साथ थोड़ी थोड़ी खा भी लेते हैं। बस पत्ता गोभी की बहुत करारी करारी बनती हैं ये पकौड़ियाँ, आज भी बनाई है घर में खाइए। और बस एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे इधर भी ये बनते हैं, उनको पटुआ बोलते हैं गाइस। ये रात दिन में तो नहीं बना पाती हूँ मैंने, इसलिए वीडियो शेयर नहीं किया है। ये रात को बनने हैं बाजरे के तिल विल डाल के। देखिए गाइस खाइए आप भी, और इनमें बहुत टाइम लगता है इसलिए मैंने और मेरी ननद ने रात को मिल के बनाए। अंधेरा हो गया था तो फिर वीडियो, बच्चे बच्चे थे तो नहीं बना पाया, इसलिए मैंने कहा सुबह दिखा दूँगी। तो ये बाजरे के ठंड में बहुत फायदे करते हैं गाइस पकौड़ी पटुआ, सॉरी तो पटुआ ही बोलते हैं कई लोग, क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारे घर तो बाजरे के पटुआ ही बोलते हैं। ऐसा आपके घर क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा, बाजरे के पटुआ को क्या बोलते हैं। जा चुके हैं अभी, देखिए मैं लगा रही हूँ पोछा, और मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। और आज सब लोग भाग गए धोखा दे के, सब जल्दी जल्दी चले गए, मैं ही रह गई हूँ। मेरे को सारा काम करना पड़ रहा है गाइस। लीजिए मैं करती हूँ पोछा। हेलो फ्रेंड, अब मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने। वो देखो कितने ढेर सारे बर्तन पड़े हैं, और मैं बर्तन धो लेती हूँ। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। सो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें।
और मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय।